हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं, जितने भी पॉपुलर अपलोड्स हैं, वो आपके पास ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे। और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपुलर चैनल्स जिसे देखकर आप इंटरटेन होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज टैप द बेल। थैंक यू। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और हम आपको शरद पूर्णिमा कह लीजिए या कोजागरी पूर्णिमा कह लीजिए, इस पूर्णिमा के महत्व को बताने जा रहे हैं। 23 अक्टूबर 2018 को है, बड़ी उत्तम तिथि है शरद पूर्णिमा। इसे कोजागरी व्रत के रूप में मनाया जाता है। कहते हैं कि दिन इतना शुभ और सकारात्मक होता है कि छोटे से उपाय से बड़ी विपत्तियां टल जाती है। देखिए, यूं तो अमावस्या और पूर्णिमा का चक्र पूरे साल भर चलता है, लेकिन उसमें यह शरद पूर्णिमा का खास महत्व है। इसे कौमुदी पूर्णिमा भी कहते हैं। आसमान में चमकने वाला चांद तो वही होता है, लेकिन इस दिन चांद की खूबसूरती ऐसी होती है कि उसे नजर लग जाए। इस दिन यदि आप दीपक चलाकर पूरी रात मां लक्ष्मी का आह्वान करें तो मां लक्ष्मी आप पर प्रसन्न हो जाती है। रात्रि जागरण किया जाता है। इस दिन मध्य रात्रि में मां लक्ष्मी चंद्रमंडल से उतरकर नीचे पृथ्वी पर आती है। ऐसा कहते हैं कि उस दिन चांदनी की रोशनी में वो हर एक से पूछती है, क्या वो जागृत है, क्या वो जागृत अवस्था में, इसका मतलब अपने कर्तव्यों को लेकर क्या जागृत है। लक्ष्मी की इस पुकार को आवाज देने के लिए कई लोग जागे रहते हैं। तब जागरण करने वाले को वे अमृत यानी कि लक्ष्मी का वरदान देती है। ऐसा कहते हैं कि कोजागरी की शीतल चांदनी तन पर लेने वालों को मन शांति और मन शक्ति मिलती है और उत्तम स्वास्थ्य का लाभ होता है। कहते हैं कि इसी दिन मां लक्ष्मी का जन्म भी हुआ था। शरद पूर्णिमा का महत्व हम आपको बता देते हैं। शरद पूर्णिमा काफी महत्वपूर्ण तिथि है। इसी तिथि से शरद ऋतु का आरंभ होता है। इस दिन चंद्रमा संपूर्ण 16 कलाओं से युक्त होता है। इस दिन चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है जो धन, प्रेम और सेहत तीनों ही देती है। प्रेम और कलाओं से परिपूर्ण होने के कारण श्री कृष्ण ने इसी दिन महारास रचाया था। इस दिन विशेष प्रयोग करके बेहतरीन सेहत, अपार प्रेम और खूब सारा धन पाया जा सकता है। पर प्रयोगों के लिए कुछ सावधानियां और नियमों की पालन की आवश्यकता होती है, जो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। शरद पूर्णिमा पर यदि आप कोई महाप्रयोग कर रहे हैं तो पहले स्थिति के नियमों और सावधानी के बारे में जरूर जान लेना चाहिए। जो सावधानी है वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे और आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि यदि आपने नियमों को फॉलो कर लिया तो फिर आप समझ लीजिए आपके बल्ले बल्ले हो जाएगी। रोगियों के लिए तो शरद पूर्णिमा वरदान है और यह बाकायदा वैज्ञानिक तथ्य है कि शरद पूर्णिमा के दिन औषधियों की स्पंदन क्षमता अधिक होती है। रसाकर्षण के कारण जब अंदर का पदार्थ सांद्र होने लगता है तब रिक्तिकाओं से विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। लंकाधिपति रावण जो थे वो शरद पूर्णिमा की रात किरणों को दर्पण के माध्यम से अपनी नाभि पर ग्रहण करता था। इस प्रक्रिया से उसे पुनः यौवन की शक्ति प्राप्त होती थी। चांदनी रात में 10 से मध्यरात्रि 12 बजे के बीच कम वस्त्रों में घूमने वाले जो लोग होते हैं उनको ऊर्जा प्राप्त होती है। सोम चक्र, नक्षत्रीय चक्र और आश्विन के त्रिकोण के कारण शरद ऋतु से ऊर्जा का संग्रह होता है और बसंत में निग्रह होता है। अभी अध्ययन के अनुसार जो वैज्ञानिक खोज है, जो दूध होता है, दूध में लैक्टिक अम्ल और अमृत तत्व होता है। यह तत्व किरणों से अधिक मात्रा में शक्ति का शोषण करता है। चावल में स्टार्च होने के कारण यह प्रक्रिया और आसान हो जाती है। इसी कारण ऋषि मुनियों ने शरद पूर्णिमा की रात्रि में खीर को खुले आसमान में रखने का विधान किया है और यह परंपरा विज्ञान पर आधारित है। खीर को चांदी के पात्र में बनाना चाहिए। चांदी में प्रतिरोधात्मक शक्ति जो होती है वो अधिक होती है, इससे विषाणु दूर होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 30 मिनट तक शरद पूर्णिमा का स्नान करना चाहिए और वर्ष में एक बार शरद पूर्णिमा की रात
दम्मा रोगियों के लिए वरदान बनकर आती है। इस रात्रि में दिव्य औषधि को खीर में मिलाकर उसे चांदनी रात में रखकर प्रातः 4 बजे सेवन किया जाता है। रोगी को रात्रि जागरण करना पड़ता है और औषधि सेवन के पश्चात 2 से 3 किलोमीटर पैदल चलना भी पड़ता है। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।